हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 18 मार्च 2024 का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। पहला सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल क्या है? हाल ही में देश की पहली एलएनजी बस का उद्घाटन कहाँ हुआ, किस शहर में हुआ? किस राज्य सरकार के द्वारा हुआ? महाराष्ट्र राज्य सरकार के मुंबई में हुआ। दूसरा सवाल क्या है? हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? हैदराबाद। कहाँ हुआ? हैदराबाद। तीसरा सवाल क्या? हाल ही में लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किसने किया? ब्रिटेन। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? सेशल्स। पांचवा सवाल क्या है? हाल ही में चुनाव आयोग ने पीडब्ल्यूडी श्रेणी में किसे नेशनल आइकॉन नामित किया है? सुंदर सुंदर सिंह, शीतल देवी, प्रमोद भगत, देवेंद्र जाडेजा। शीतल देवी। छठा सवाल क्या है? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर भारतीय नौसेना के मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया है? कहां पर किया गया है? नई दिल्ली। कहां पर? नई दिल्ली। सातवां सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस बैंक के साथ 181 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? RBI, ADB, SBI, वर्ल्ड बैंक। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक इसको कहते हैं। आठवां सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 का सऊदी अरबियन ग्रांड प्री किसने जीता? किस खिलाड़ी ने जीता? मैक्स वेरस्टेपन। नौवां सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में हुए चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न कराए जाएंगे? 7 चरण। कितने चरण? 7 चरण। दसवां सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी भी डैम वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? 104। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।